अस्सलाम वालेकुम, मैं और शेफ समिया जमील सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ आप सब लोगों को सीबो रमज़ान पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। हर दिन की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लेके अपने होम एंटरप्रेन्योर्स के साथ, अपने होम शेफ्स के साथ, क्योंकि उनकी रेसिपी ही आप लोगों के घर पे आती है, आप लोग चेक करते हैं, खाते हैं, बट हमें ये पता नहीं चलता कि इसको बनाने का जो ये स्पेशल ट्रिक है ना, क्यों ये इतने हिट हैं, क्यों इनकी जो है ब्रांड्स इतने अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो ट्रिक्स हम इनसे जानेंगे, थोड़ा सा इनके साथ भी हम लोग करेंगे कि नहीं आप बताएँ ज़रा, ताकि वो सारी लड़कियाँ, वो सारी खवातीन जो किसी ब्रांड को तो नहीं चला रही लेकिन अपने घर वालों के लिए एक से बढ़ के एक अफ्तारी या सहरी बनाना चाहती है। तो आज मेरे साथ हैं अमरीन नवेद जी, हाँ, और इनका ब्रांड का नाम है अंबर नोशी। और आज आप क्या बना रही हैं अमरीन? मैं जलफरेजी चिकन बना रही हूँ। ठीक है, ये आप सहरी में इजीली ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बल्कि जलफरेजी तो आप सहरी के बाद जो अक्सर तरावी के बाद लोग जो खाना खाते हैं, लो कार्ब है और हाई प्रोटीन है। यस एग्जैक्टली, तो इसको आप विदाउट रोटी भी खा सकते हैं। सही सही, तो क्या करेंगे इसकी मैरिनेशन? पहले हम हाफ के जी चिकन लेंगे, ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने, उसके क्यूब्स कर लिए हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम पिंच हल्दी लेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे और 1 टीस्पून जो है हम कुटी मिर्च, या आपको जो अगर इसमें ज़्यादा मिर्च डालने तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल या 1.5 टेबल स्पून जो है हम गार्लिक को चॉप करके इसमें डालेंगे, लेकिन फाइन चॉप हुआ हो। ये आप बेसिकली इसकी जगह पे आप QNN फ्लेवर का भी गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं जो देसी लहसुन से बना हुआ है और उसका अरोमा और उसका टेस्ट लाजवाब है। बिल्कुल, और इसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल डलेगा और हबीब कुकिंग ऑयल डलेगा। हबीब कुकिंग ऑयल एग्जैक्टली। इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉल्ट डलेगा। इसके अलावा इसमें वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च डलेंगी 2, मैंने इसमें चॉप कर लिए हैं। हाँ, क्यूब्स फॉर्म में काट लिया। हाँ, क्यूब फॉर्म में काट लिया। देन 1 स्मॉल अनियन प्याज ले लिया, वो भी मैंने क्यूब में काट लिया। ठीक है, अब उसकी मैरिनेशन करना स्टार्ट करें। जी स्टार्ट करते हैं। चल, सबसे पहले आपने लिया इसमें हल्दी सॉल्ट, जो मैं आपको स्पून भी दे देती हूँ, ये लीजिए। पिंच जो है वो हल्दी डलेगी। अच्छा, पिंच डाल दिया और नमक हसबे जायका आपका। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ना ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डलेगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है ज्यादा तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। स्पाइसी, और अगर आप नहीं भी स्पाइसी लेना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हबीब कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून। यस, ठीक है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमें इसको लो फैट करना है ना। ठीक है, हमें क्योंकि रमज़ान का रोज़ा जब हम रखते हैं तो हाई कैलोरीज वाली चीज़ें खाएं तो सारा दिन अजीब सी बदहजमी रहती है, तो ये आपको लाइट रखेगा। अच्छा, ये आपने QNN का जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस लेना है। ये ब्रांड मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, इम्पोर्ट भी होते हैं सेम क्वालिटी में और यहाँ पे आपको नॉर्मल मार्केट से भी मिलेंगे। और ये आपने इसको कर लिया मिक्स में। अब इसको 15 टू 20 मिनट जो है ना वो आप सेट करने के लिए रख दें। रख दें, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बताया है कि आपने 2 टेबल स्पून ही जो है वो ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा सालन की तरह नहीं पकाना है। सालन की तरह नहीं पकाना, क्योंकि रमज़ान में रोज़े जब हम रखते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और फिर ऑयली चीज़ें और डीप फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं, पराठे भी चल रहे होते हैं, ये भी खा लें, वो भी खा लें, तो उसकी वजह से जो है ना आप बदहजमी रहती है और जलन रहती है, वो इबादत नहीं कर सकते। उस तरह से सोचते हैं कि थोड़ा नींद ले लें, सो जाएं, तो वो टाइम ज़ाया होता है। तो ये जो है आपको लाइट रखेगा रोज़े में भी और आफ्टर रोज़ा भी। ठीक है, अब इसको इसमें आप शामिल कर दीजिए। गुड, हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब ये टेंडर हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि वो फुल कुक हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि जो है चिकन अच्छी तरह से फुल कुक हो जाए। ठीक है, और आप साथ ही साथ ये वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। बिल्कुल, अब पानी खुश हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। ये कैप्सिकम है। ठीक है, अच्छा, जलफ्रेजी में सुना है कि अंडा भी डालते हैं, तो डालते हैं क्या अंडा? नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट इसको 1 to 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे और इसके बाद ये रेडी है। ठीक है, अब आप इसको डिश आउट कीजिए। ठीक है, हल्का सा सॉसी जूस और बड़ा अच्छा कलर, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। गुड, ज़बरदस्त, पूरा डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। ठीक है, सही है, डन हो गया। सही है, अब आप इसको गार्निश करेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो
टमाटर भी लाई हैं, फूल रोजेज ज़बरदस्त खूबसूरत लगती हैं सारी चीज़ें ना, किसी भी रेसिपी की रौनक जान हो जाती है, अच्छा लगता है और आंखों को ठंडक भी पहुँचती है। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये लीजिए आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अम्बरीन ने इतनी ज़बरदस्त झटपट रेसिपी बनाई जो कि आपकी सहरी या तरावी के बाद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कि आप लोग अपने घर पे फटाफट बना लें। अक्सर लोगों को तरावी के बाद भूख लगती है हल्की फुल्की, तो आप नान के साथ जो है उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप घर की चपाती भी ले सकते हैं, फ्राइड राइस भी ले सकते हैं, पीटा ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, या इसको रूखा भी खा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अम्बरीन फॉर बीइंग हियर, और इनका इनके पेज पर जाइए और इनको ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको इनकी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अम्बर नोशी के नाम से जो है इनका पेज है, और जब भी रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ की पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो हमारी भी हौसला अफजा हो सके और अम्बरीन की भी हो सके, इनके पेज की भी प्रमोशन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अम्बरीन को सीबो रमजान पाकिस्तान से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।